अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप लोग सब खैरियत से होंगे? और मैं हूँ शगुफ्ता आलिया, वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम जो है वो ग्रेडियंट इफेक्ट गो थ्रू कर रहे हैं यूजिंग अ CSS प्रॉपर्टी। सो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा, इट्स गोना इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले बॉडी के अंदर हम लोग जो है अच्छा ग्रेडियंट कलर होता है क्या? पहले मैं यहाँ पर एक H1 लिखती हूँ ताकि आपको मैं क्लियरली बता सकती है व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट। सो आज हम लोग ग्रेडियंट प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करें टैक्स के ऊपर। इस तरीके से आप टैक्स पे ग्रेडियंट कलर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम ये मेथड देखेंगे यूजिंग CSS, ठीक है जी, लाइक दिस वन। अब यहाँ पर आके गाइस, इसको मैं H2 कर देती हूँ फिलहाल। तो बॉटम पर आते हैं और यहाँ पर हम एक टैक्स ले लेते हैं H1। ऑसम, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर एक टैक्स राइट डाउन कर दिया ऑसम के नाम पर। इसी के साथ साथ आई वॉन्ट टू टेक इन स्मॉल H1। ओके जी, और यहाँ पर हम एक क्लास बना देते हैं जो कि ऑलरेडी टैक्स का नाम हम इसको होल्ड करा देंगे, ठीक है जी। इसी के साथ साथ गए, जब हम कुछ प्रॉपर्टी सीएसएस की इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, CSS पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्लास हमारी टैक्स की थी, ये हम टैक्स पे इम्प्लीमेंट करें, फिर हम आपको बैकग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, ठीक है जी। वी हैव थ्री टाइप्स इन ग्रेडियंट, बट मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं इट्स अ लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है जी। बैकग्राउंड लेके मैंने यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट लिख दिया है। अब यहाँ पर आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो लेफ्ट या तो राइट। अच्छा, वैसे तो लोग नॉर्मल लोग टॉप एंड बॉटम भी यूज़ करते हैं, बट इतनी ज़्यादा हम टॉप एंड बॉटम यूटिलाइज नहीं करते, ज़्यादा हम लेफ्ट एंड राइट यूज़ करते। तो यहाँ पे पहले डायरेक्शन लिखते हैं, हमेशा आपके डायरेक्शन आपको कहाँ से कलर की इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। इसके साथ आप कॉमा लगाते हैं और फिर आप बताते हैं कि कलर कोड, पहला कोड कलर कोड, क्योंकि ग्रेडियंट है तो मोर देन वन कलर, सिंगल कलर होता तो वो सॉलिड कहलाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने कलर कोड लिख दिया, ठीक है जी। ये कलर मेरा कोड ये हो गया 07। इसी के साथ मैंने कॉमा लगाया, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अनदर कलर, ये सेकंड कलर हो गया। इसी के साथ कॉमा लगाते, अब मर्जी आप 4, 5, 6 जितने कलर देना चाहते हैं गाइस, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं सिर्फ कॉमा लगाकर। ठीक है जी, तो मैंने ये तीन कलर इम्प्लीमेंट कर दिए हैं और इसे बाहर आते हैं हम। तो यहाँ पर अब हम वेब के कलर इम्प्लीमेंट कर देंगे, डैश वेब किट के बाद मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं वेब किट को पूरा लिख लेती हूँ क्योंकि सर्च करना पड़ेगा। टेक्स्ट फिल कलर, हम इसको ट्रांसपेरेंट रखते हैं, ठीक है। जिसका अपना फिल कलर है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, तभी तो उसके ऊपर ग्रेडियंट कलर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगेन एक और इसकी प्रॉपर्टी है वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, ओके। एंड देन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, वी आर इम्प्लीमेंट ऑन दी टैक्स, ठीक है गाइस। इसका प्रीव्यू यहीं पर ही गो थ्रू कर लेते हैं। Now you can see the animation is front of you, ये green color implement हो गया है, ठीक है जी। अब अगर मैं इसकी rotation change करते हूँ, और अगर मैं एक और color implement कर देती हूँ लाइक यहाँ पर आ जाता है comma, we are going to provide another color और उसका कलर रख देते हैं हम हैश
F32170। ठीक है गाइस, नाउ मूव ऑन, शो द प्रीव्यू। सो रिजल्ट को गो थ्रू करते हैं गाइस और देखते हैं रिजल्ट क्या है। ओके, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। सो गाइस रिजल्ट को गो थ्रू करते हैं, रिजल्ट क्या कह रहा है। सो नाउ रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, जो कलर्स हमने इम्प्लीमेंट किए थे दे आर द इम्प्लीमेंट इन योर टैक्स। इसी के साथ साथ गाइस अब इसमें डिग्री भी आती है। ठीक है, डिग्री क्या है कि आप किस साइड से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो, कितनी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप डिग्री भी 120 180 लिखना चाहें तो किस डिग्री से आपको कलर कौन सा इम्प्लीमेंटेशन करना है उस डिग्री को भी आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। दिस इज़ अ वेरी इजीएस्ट वे इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट ग्रेडियंट कलर इन योर इफेक्ट एज वेल एज इमेज, और किसी भी डिव में भी इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैथड सेम रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अनदर एक्साइटिंग इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।